सब लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, ये मुझसे पहले आ जाता है, बिकॉज इसका ऑफ मुझसे पहले होता है तो मुझसे पहले आ जाता है और रेडी होता है ट्यूशन जाने के लिए। तो मैं से यही पूछ रही थी कि कॉपी तो तेरी खो गई थी बड़ी, हमने एक दिन मिल गई, मुझे कैसे पता था मैं मिल गई नहीं मिल गई? पहले कॉपी की बात, मैंने ये कहा ना आपकी कॉपी खो गई थी और आज आपका हिंदी का एग्जाम था। तो कैसा हुआ आपका हिंदी का एग्जाम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। एग्जाम सारे इसके बहुत अच्छे होते हैं, मार्वलस, आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सही पकड़े, सही पकड़े। तो मतलब कॉपी खोना अच्छा रहा आपके लिए या बुरा रहा? हाँ तो गई थी एक और कॉपी, हाँ फ्रेंड ने कॉपी दे दी। मतलब कितना अच्छा दोस्त है यश, है ना, जिसने अपनी कॉपी दे दी। ले भाई, मैंने उससे यही कहा था कि भाई अपनी कॉपी दे दे, उसे दे दी, उसने दे दी। वेरी गुड। तो तन्मय का हो गया आज हिंदी का एग्जाम, सबसे हार्ड एग्जाम तन्मय को हिंदी संस्कृत यही लगते हैं। संस्कृत से इसका पीछा छूट चुका है और हिंदी का ये इंतज़ार उंगलियों पे कर रहा है कब छूटेगी, जबकि हिंदी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या हो गया? ओहो, बारिशों के दिन चल रहे हैं ना, पेड़ पौधे हरे 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 हो रहे हैं और इस पौधे की बेल तो देखो यहाँ तक चली गई है। मनी प्लांट दिखाओ आपको अपने यहाँ का, मनी प्लांट, मनी प्लांट यहाँ से होता 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 मेरा यहाँ तक पहुँच गया और इसमें फ्लावर भी आ रहा है। इस टहनी को पता नहीं क्या हुआ, ये सूख गई है। और ये देखिए फूल नहीं आते मेरे घर में, पर हरियाली रहती है। पर ये मेरा हरियाली जा रहा है ट्यूशन, एक ट्यूशन का तो आज ऑफ है, मयंक सर आज नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, क्या खुशी आई है। पर साइंस दीदी ने कहा है कि आना है ट्यूशन, तो आप जा रहे हैं? चलिए, सर ने कल पढ़ा दिया था ना संडे में, ओके तो मुझे जाना नहीं था। सर ने बोला कि तुम्हारा तो पेपर हो गया, मैं था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाय बाय। अब आपका किस चीज का पेपर रह गया? अब किसका एग्जाम है? दो बच रहे हैं, पहले इंग्लिश का। चलिए, परसों है, एक दिन की छुट्टी है बस इस बार, देखिए उसके बाद दो दिन की छुट्टी है, फिर खत्म। चलो, तो 30 तारीख से फिर तन्मय हमारा कंटिन्यू व्लॉग आएगा, क्योंकि तन्मय फ्री हो जाएगा और अभी हम इसी वजह हर चीज का व्लॉग बनाएगा। और कितने दिन तो ये बैग को हाथ भी नहीं लगाएगा, है ना तन्मय? और ये बोलता है 15 अगस्त है, पेपर खत्म होने को बोलता है 15 अगस्त, आजादी आ गई है हमारी। क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा, नो स्कूटी, ना 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 बेटा, स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अंश ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है कि स्कूटी नहीं लेकर जाना है तन्मय ने। चलो साइकिल से जाओ। तो गए तन्मय जी ट्यूशन और हम बिल्कुल जस्ट अभी अभी आए हैं, पानी भी नहीं पिया अभी, पानी भी कैसे पिए क्योंकि अंदर घुसते ही खुशी दिखाऊं। शिकार, शिकार पकड़ा गया, शिकार। बहुत दिनों से शिकार हमारा नहीं था। ये क्यों वापस आ गया? क्या हो गया? अभी दोस्त के साथ जा रहे हो? दोस्त कहाँ मिला आपको? स्कूटी से जाओगे मतलब? तन में ध्यान से, के अंदर घुसते ही बहुत भयंकर पोपट हो गया मेरा। क्या हुआ, मैं बाहर थी ना जब तन्मय आया, तो बाहर से वो चला गया और मैं जैसे ही अंदर घुसी मुझे चूहेदान दिखा, तो मैंने सोचा उसमें चूहा पकड़ा गया है और मैंने खुशी खुशी में ब्लॉग तो बना लिया, अरे चूहा पकड़ा गया। और जब देखा तो उसमें तो चूहा था ही नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा वो चूहेदान आपने वहाँ क्यों रखा है, चूहा पकड़ा गया क्या? बोले नहीं, वो तो मैं रख कर गया हूँ कि तुम उसमें रोटी लगाओ, चूहा पकड़ा जाए। मैंने कहा मैं खाम खा इतनी खुशी हो गई कि चूहा पकड़ा गया, चूहा पकड़ा गया, पोपट हो गया। हंसी आ रही है अपने आप पर, हंसी आ रही है कि बिना देखे ही व्लॉग बना दिया कि चूहा पकड़ा गया, चूहा नहीं पकड़ा गया। चेंज करके मैं खाना खाने बैठ गई हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। और आज बना है सीजन का पहला सरसों का साग। ओह माय गॉड, साग देखो कटोरी से बाहर गिरने को तैयार है मुझसे, मुझे मतलब इतना पसंद है साग, कटोरी से बाहर आने को तैयार है। पर मैं भर के ले आई हूँ, सुबह की रोटी बनी रखी है, कोई नहीं रोटी तो मैं खा लूँगी। साग को गर्म करके इसमें मैंने जो देसी घी का छौंका मारा है ना,
और बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जबकि मेरे को इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। फिर बस साग को देखते ही ना मेरा मन मचल गया, मचल। सब अभी ट्यूशन से वापस आए हैं और मैं थकी हारी माँ जो आराम कर रही थी, इसने मुझे झंझोर के उठाया कुछ बनाओ। तो मैं इसके लिए कोल्ड कॉफ़ी और म्यूनीस के सैंडविचेस बना कर लाई हूँ। म्यूनीस विद आलू भुजिया और बिल्कुल क्रंची सैंडविचेस हैं। प्रभु भोग लगाएंगे और बताएंगे कैसे बने हैं। एक कटोरी वो पड़ी है खाने की, एक गिलास वो पड़ा है दूध का इनका भाई साहब का। भैया ठीक है, चलिए धन्यवाद। कोल्ड कॉफ़ी के साथ हमने इनको अब सैंडविच बना कर दिए हैं। आपको थोड़ा सा ये शर्म आई हो कि माँ बेचारी मेरी थकी हुई लेटी हुई है, मैं सोने दूँ माँ को? देखो 4:30 हो गए हैं, है ना। अभी भाई सब खा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविचेस। अभी बस मैं अब फिर रसोई समेट कर आकर लेटूंगी। अभी लेटूंगी कि अंश के आने का टाइम हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? देख 4:45 होने वाले हैं घड़ी में। अगर तुझे लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, देख लो 4:45 है ना, और 6 बजे तक भाई आ जाता है। तो 1 घंटा मुश्किल से। मैं ये थोड़ी है कि बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा। और ये जितने बर्तन इधर उधर आपने छोड़ रखे हैं ना, वो दूध का गिलास, ये कटोरी, ये सब, और ये वाले प्लेट और ये गिलास, ये सब किचन में आ जाए सिंक में। धोने के लिए नहीं कह रही हूँ, धो मैं दूंगी। हाँ जो बढ़िया ही बनाते हैं हम हर एक चीज, कब हमने अच्छी चीज नहीं बनाई है। थैंक यू एवरीवन। अब तो लेट हो गए, मम्मी तो सो गए। आज मम्मी ने बहुत सारी रील्स बनाई है इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर लेना। मेरे साथ भी बनाई है, भाई के साथ भी बनाई है बहुत सारी। तो वो थक गई, वो तो कह रही अंदर जाके तो खुद कर ले बैंड, मैं तो रही हूँ सो। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।